दोस्तों अब शाम की वीडियो शुरू कर रहे हैं जी। आपने देखा ही था, अंशिका ने और बबलू भाई ने मिलकर दोनों वाहन धो दिए थे, गाड़ी भी धो दी थी दोस्तों, और ये छोटा कुबोटा भी चमका दिया था जी पूरा। तो अब बबलू भाई चले गए हैं दोस्तों शहर बाजार, मोटरसाइकिल से ही काम कर रहे हैं जी, क्योंकि कावर का जोर है बहुत ज़्यादा। आज भी दोस्तों मौसम पूरा तूफान में रहा जी, धूप नहीं आई बिल्कुल भी, भपका रहा जी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अब गाय को अंदर से बाहर निकालते हैं, दूध निकल गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सर दोस्तों चारा काटते हैं या निकाल लेते हैं। दोस्तों मौसम का समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगा तूफान आएगा बारिश के साथ में। देखो अंधेरा हो गया बिल्कुल, ऊपर देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया, लाइट जलानी पड़ेगी। तो दोस्तों सभी पब्लिक जो है बाहर कावड़ में जाने लग रहे हैं सब। तो दोस्तों इसे बाहर निकालते हैं, ऐसे थोड़ा गद्दा भी सरका देते हैं और इसे थोड़ा आराम मिलता है खुले में आके। तो ये पंखा लगा दिया है इस तरफ, देखो यहाँ बहुत अच्छी हवा आ रही है जहाँ मैं खड़ा हूँ। और दोस्तों अंदर लाइट जला के बिजली आ रही है बहुत बढ़िया। इसे काट देते हैं चारे को और इन्हें कर देते हैं। ओहो टिंग टोंग। और दोस्तों चमत्कार हुआ जी, हवा चल गई है, देखो कितनी शानदार, ये हिल रहे हैं कपड़े। देखो जब हवा चलती है तो अंदर भी लगती है, ये इस पंखे से नहीं हो रहा चमत्कार, ये चमत्कार हो रहा है जी, महादेव की कृपा हो रही है जी ऊपर वाले की, बहुत बेहतरीन हवा। देखो ठंडी ठंडी हवा, देखो गाय भी कितनी खुश होगी, आहा बहुत ही। और देखो ये हवा कैसी घूम रही है। और दोस्तों आपको एक बार ऊपर जिन्ने में चल कर दिखाता हूँ। और दोस्तों मैं मम्मी को भी कन्वेंस करने में, मतलब समझाने में कामयाब रहा कि अभी चारा है इनकी खोरों में थोड़ा थोड़ा। देखो देखो यहाँ भी है ये रहा जी, और इसके आगे भी है ये रहा थोड़ा सा। तो दोस्तों इसी में सूखा रहता मिला देंगे तो उससे क्या होगा बेनिफिट कि ये चारा अगर हम काट के डालते हैं, गर्मी है जी, इसे सुबह काट देंगे। अब यहाँ जो है जो भी गोबर का पर पड़ा है पल्ली वल्ली फैला देंगे और अपना उसे इसमें डाल देंगे, फिर सुबह जो है हमें ये बुग्गी भी सूखेगी, वो भी अलग पड़ा हुआ सूखेगा। और हमें कल ट्रैक्टर नहीं ले जाना पड़ने का, परसों ले कर चलेंगे। तो यही है जी, आप देखें थोड़ा सा 245 फोर्ड से ऊँचा ट्रैक्टर है, इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों मेसी की बिल्कुल स्वराज के बराबर है जी ऊंचाई तो इसकी, लेकिन साइज में वजन में कम है। तो ट्रैक्टर की ताकत बढ़ती है दोस्तों वजन से और गियर बॉक्स से। तो अगर इसका वजन थोड़ा सा और ज़्यादा हो और गियर बॉक्स थोड़ा सा और इसका चेंजेस आ जाए, क्योंकि जितने राउंड इसके इंजन के हैं ना, इसके गियर बॉक्स का तालमेल इसके साथ सही नहीं बैठता। ट्रैक्टर बहुत अच्छा है वैसे। अभी मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि कितनी बेहतरीन हवा चल रही है, किस हिसाब से पेड़ हिल रहे हैं टिंग टोंग। और दोस्तों इससे पहले मैं ऊपर चढ़ गया, आपको छत पर चढ़ के दिखाता, बारिश आ गई जी बहुत बढ़िया, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और दोस्तों गाय को वैसा आदत तो है नहीं इसे बारिश की, लेकिन दोस्तों गर्मी, भीषण गर्मी को देखते हुए भोले बाबा का प्रसाद बांधते हुए इसे बाहर ही छोड़ दिया, क्योंकि अभी ये गर्मी मान रही थी और अभी जो है इसे ठंड लगने लगी है। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा चली है बिल्कुल बहुत बढ़िया। और ऊपर से देखें जी पतराले से पानी भी गिर रहा है, ये देखो बारिश का पानी नीचे आ रहा है। तो दोस्तों बताने वाले तो इसे भी वेस्टेज ऑफ वाटर बता देंगे कि जी पानी बर्बाद हो रहा है, पानी इसे स्टॉक करिए, अरे भैया यहाँ कहाँ कुएं बना हुए हैं कैसा करें क्योंकि दोस्तों ये जो पानी की वेस्टेज बता हुए हैं ना, ये वहाँ के लिए वेस्टेज होती है जहाँ सूखा है, पानी बाहर से आ रहा है टैंकरों के द्वारा आ रहा है या बड़े बड़े बोरिंग करे जा रहे हैं, वहाँ तो मान सकते हैं। लेकिन जहाँ हमारे यहाँ जल्दी जल्दी बारिश होती हो, गाँव में कई कई तालाब हों और सब तरफ पानी पानी हो, तो वहाँ जो है कभी भी पानी की कमी नहीं होती, जहाँ पर बारिश जल्दी जल्दी होती रहती है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले जब हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, सूखे का मौसम चल रहा था, तो हम रो रहे थे हाय मर गए, ऊपर वाले रहम नहीं कर रहा, बारिश नहीं गिर रहा, मर गए किसान। लेकिन दोस्तों जितना वो टाइम सूखे का रहा ना, उसमें जो फल तैयार हुए पेड़ों पर, जो फूल तैयार हुए छोटे पौधों पर, जो गन्ना तैयार हुआ, जो भी खेती हो रही थी वो बिल्कुल निरोगी हो रही थी जी, बहुत बहुत शानदार। अब दोस्तों हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम भी जो है यहाँ से अब हाथ पैर धोकर उधर चले चलते हैं, खाना चल रहा है जी बहुत बढ़िया। और बबलू भाई दोस्तों, बबलू भाई जो हैं मोदीपुरम है, यहीं जो हमारा पड़ोस का बाज़ार लगता है, जहाँ ज़्यादातर नियरेस्ट टाउन कस्बा लगता है। तो ये देखें जी, बाकी ये तो अंदर ही है, ये भी अंदर ही है भगत जी, बाकी इसे मिल गया है प्रसाद जी बहुत बढ़िया। तो
अब दोस्तों धीरे धीरे हवा भी चल रही है काफ़ी तेज़ और बारिश भी आ रही है। तो यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जी, धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चुली बुली ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि बारिश आई। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय हो गंगा मैया। ऊपर वाले कावड़ियों की रक्षा करिए, बड़ी हिम्मत मार रहे बेचारे। दोस्तों तुरंत ही बारिश पड़ते पड़ते में ही बबलू भाई भी आ गए हैं। अच्छा भैया खोल रहे हैं, आइए किंग कॉन्ग। अरे मतलब भीग गया भीग गया भीग गया, बबलू भाई ने भी मजा पूरा ही ले। आइए आ तो भबगा, तो कावड़ियों की भी मौज आ गई। बहुत बढ़िया रहा जी, देखते हैं कितनी अच्छी बारिश हो रही है। हवा बिल्कुल बर्फ जैसी चल रही, ठंडी बिल्कुल ठंडी हवा बर्फ जैसी। दोस्तों अब आइए असली स्पीड, देखो जी क्या पतराला बज रहा है, दहाएं दहाएं। अब दोस्तों डेफिनेटली मैं कहता हूं कि बहुत तकड़ी बारिश है जी, बहुत ही गजब बारिश है, बहुत ही तकड़ी बारिश है। और डेफिनेटली कावर रुक गई होंगी, आनंद ले रहे होंगे जी सब बारिश का। ऊपर चल के दिखाता हूँ दोस्तों, सारे गेट वेट सब खुले पड़े हैं। ओहो हो हो, दोस्तों मोहित भाई का सेटरिंग लग रही है और उससे दिक्कत यही होगी कि सेटरिंग के ऊपर को पानी जो है दीवारों में टकराएगा। तो लेकिन बारिश का पानी है, इसका गिल्ला कुछ नहीं होता, ये तो सब जगह गिल्ला ही गिल्ला हो जाता है। देखो कितनी जोर से गिर रहा है ऊपर से पानी, ये देखो मेरे हाथ पे गिर रहा है ऊपर से। तो दोस्तों सब हमारे तो गिल्ले सूखे सब है, ये देखो। ओहो भाई वाह, चले नहीं गए, अच्छा भागे नहीं, भागे घर में बढ़ रही बिल्ली। ओहो हो दोस्तों ये तो करना सब पायदान वगैरह, ये देखो यहाँ और ये तो सारा खुल्लम खुल्ला हो गया। क्योंकि दोस्तों मैं भूल गया था कि अंसर उसकी मम्मी यहाँ नहीं है। दोस्तों गर्मी ने बता दिया था कि बारिश ऐसी ही आएगी, ये देखो जी यहाँ पानी भर गया, ये देखें यहाँ पानी भर गया है, ये देखो ये यहाँ। दोस्तों ये पतराला हमें जो है इसमें थोड़ी टैल कटवा के डायरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये छत पर पानी भरता है और फिर टैलों के बीच में से दरारों में से नीचे डस्ट में पानी भरता है और वो लेंटर में फैलता है। तो ये ध्यान करना पड़ेगा हमें, ये हमने ध्यान नहीं करा। बस पहले ही ओपन छत्ती तो हमें महसूस नहीं होता था, लेकिन टैल पत्थर पे इस तरह से पानी आना नहीं चाहिए। दोस्तों उम्मीद नहीं थी, रास्तों का हाल अगर मैं आपको दिखा दूँ, करीब आधा पौना घंटा हो गया है जी बरसते हुए और इसी तरह गरज चमक है। बहुत बहुत मतलब मूसलाधार तो है ही है जी, मूसला तोड़ है, भयंकर बारिश है जी, भयंकर जिसे कहते हैं, बहुत ही भयंकर बारिश है जी। छतों का हाल ऐसा हो रहा है, फोन बंद करना पड़ेगा दोस्तों, झटके लग रहे हैं फोन में भी, इतनी तकड़ी बिजली कड़क रही है। दोस्तों नमस्कार, अब रात की भयंकर बारिश के बाद में अब दोस्तों काफ़ी देर से उठे, रेनी डे मनाया जी, फिर यहाँ साफ सफाई करी, देखो मम्मी ने सारा काम निपटा रखा है। अब दोस्तों मम्मी जी और पापा जी ने दोपहर का खाना खा लिया है, दोस्तों आप भी खाना खा लें, एक बार चल रहे हैं। दोस्तों थोड़ा सा काम हमने भी करा, फिर यहाँ जो है गाय पूरी रात यहीं रही अपना आराम से, अब यहाँ साफ सफाई कर दिया, सूख जाएगा सब, सकेर सोर के बुग्गी में डाल दिया है, कुछ शाम को डलेगा। दोस्तों चारा वारा जो बच रहा था वो चारा काट दिया है, यहाँ सब सामान धो धा कर रख दिए हैं जी, ये देखें जी ये चारा बच गया है शाम के लिए, अब सुबह को चारा आएगा। क्योंकि दोस्तों बारिश इतनी ज़्यादा पड़ी है कि किसी भी तरह से आप यूँ मान लो बाढ़ की स्थिति है गाँव के चारों तरफ। और ये शुक्र मनाओ कि हमारे जो गांव का ये सामने झोड़ है, पहले मोटरसाइकिल लेके यहीं चलेंगे फिर आपको गांव बाहर दिखा के लाऊंगा, कि तीन तरफ का पानी जाता है, इस तरफ का गांव का, इस तरफ का हमारा और गांव के इस तरफ का, बाकी तीन तरफ का पानी गांव के दूसरी तरफ खेतों में चला जाता है। तो दोस्तों स्थिति जहाँ नहरी क्षेत्र होगा वहाँ क्या हो रही होगी, रात की बारिश इतनी ज़्यादा है, आपने खुद देखा कि कई घंटे जो है परमात्मा ने बहुत बढ़िया तसल्ली करी है जी, और उमस खत्म हो गई है बिल्कुल, किसी भी तरह से गर्मी नहीं लग रही। चलते हैं एक बार, अब दोस्तों यहाँ से चल रहे हैं जी मोटरसाइकिल लेके, देखो पीछे भी खड़ौंजे कैसे साफ पड़े हैं, अब यहाँ चल रहे हैं बिल्कुल सामने, आपको दिखाता हूँ क्या स्थिति है जोड़ की। अब दोस्तों ये मान लो कि इतने पानी में पहले जो था ये पानी हमारे घर तक टक्कर मारता था, लेकिन खड़ौंजे ऊँचे उठते उठते ये इतने ऊँचे हो गए कि यहाँ तक टक्कर मार रहा है, देखो खूब आराम से दिख रही हैं बीच बीच में मछलियाँ, क्योंकि गांव के इसमें जो है
सोख समंदर आ गया, किसी ने पता नहीं बाहर से ला कर डाला कैसे हुआ। और ये देखे जी यहाँ तक आ गया है जोड़, दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ आपको जाके एक बार। अब अपने खेतों की तरफ से आते हुए देखे जी, ये जैसे गांव का बहिर आता है तो यहाँ दीवार हो रही है, लेकिन यहाँ बीच में दीवार नहीं है, इन्होंने थोड़ी सी हटा रखी है, तो ये बहिर इसमें घुसा। और इसमें घुसने के बाद देखो ये दीवार जो है पड़ोस वाले प्लॉट में ख़त्म। अब ये इन्हें पूरी पूरी दीवार उखड़वानी पड़ेगी, क्योंकि कोने में से भी ख़राब होगी। और ये भी करीब जो है 40-50 फीट दीवार बह गई है, यहीं जस्ट तालाब का पानी आ रहा है पूरे में। ये भी देखे गांव से पानी आकर भर गया है यहाँ, जो कि इधर ये प्लॉट है गहरा, तो आगे खेतों में नहीं जा पाया तो यहाँ भर गया। अब ये देखे जी ये भी गाँव के बहिर का पानी, जहाँ से वो दीवार टूटी है और फिर तालाब में जो आया है ये सब भर गया देखो यहाँ। तो जब ये सड़क नीची थी तो ये हमारे खेतों तक टक्कर मारता था उधर तक, लेकिन अब इधर ही रह गया। आगे तक दिखाता हूँ आपको क्या हालत है, लेकिन इस तरफ नहीं है, इस तरफ का सूख गया है देखो, भर तो इस तरफ भी रहा था लेकिन ये सड़क से कूद नहीं पाया इधर, तो वो खेतों का उधर ही रह गया। इधर ये फिर गाँव का आया बहिर। ये देखें जी आगे तालाब का पानी, चावल के खेत में डेली पानी रहता ही है, तो ये क्या है, ये मछलियाँ निकल निकल के इन खेतों के उससे यहाँ से, फिर ये सामने तालाब ही है, गाँव का हिस्सा है, फिर ये इधर तक भर गया है। आगे भी दिखाता हूँ जो नए नए प्लॉट और मकान बन रहे हैं। और दोस्तों जब हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है तो जहाँ नहरी क्षेत्र हैं या जहाँ ज़्यादातर बाढ़ की स्थिति रहती है, खादर क्षेत्र है, वहाँ तो बहुत पानी, क्योंकि दोस्तों पहाड़ों पर से बहुत पानी आ रहा है, नीचे मैदानों में फैल रहा है। दोस्तों ये देखो जी यहाँ कितना पानी आ गया, ये तो खैर चावल का खेत है तो इसमें पानी चला भी रहे थे, लेकिन जोड़ का पानी आ रहा है घूम घूम कर, गाँव बाहर का भी आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये मान रहा हूँ जैसे ज़्यादा बारिश हुई है तो पानी पीछे रुका हुआ है, थारे घर के बाहर आ रहा, चलो तो देखते हैं एक बार। तो अब गांव के इस तरफ आ गए हैं बीएड कॉलेज के पीछे, और ये देखो कितना पानी है। और दोस्तों देखो समर सेविल अब भी देखो गांव के चल ही रहे हैं बराबर, ये इधर से समर सेविल का पानी आ रहा है उनके घर का, तो ये यहाँ भरेगा ही भरेगा। अरे समर सेविल अब भी चल रहा है किसी का, ये देखो दोस्तों ये मुझे लगा पिछले साल नहीं आया था। बाढ़ ग्रस्त हो गया वो गाँव नू मान लो। ये देखो जी सोनाली का, और ये रेसर खड़ा भी इनका यहीं बंद रहा, यो ना यो एकदम खेत में ना भाग जा। ये देखो जी, और दोस्तों पिछले वालों का तो रास्ता ही बंद हो गया, वो देखो अगर दो एक बारिश ऐसी नहीं नहीं यो खतरा यो भी है ना, यो सामने ट्रांसफार्मर डूब रहा है धीरे धीरे, यो ऊंचाई पे लगना चाहिए। ये देखो जी यो दोस्तों बारिश के पानी का गीला कुछ नहीं होता है, तो सब जगह गीला ही गीला हो जा फिर, लेकिन यो गड़बड़ है यहाँ, ये मकान बहुत ऊंचे कर लिए इन्होंने, लेकिन फिर भी जैसे गांव में समरसेविल ज़्यादा है और गांव में कोई दूसरी साइड में तालाब नहीं है, या इस तालाब में सोख समंदर होने की वजह से इसकी खुदाई नहीं हुई तो ये ऊंचा हो रहा है। तो अब की बार देखें इनके इस प्लॉट में भी कुछ नहीं हो पाया, तो इसमें क्या क्या फसल मर रही है वो? अच्छा चारा, अच्छा नियार सब्जी वब्जी सब मर गई। तो दोस्तों ये देखा जी, और भाई कुछ टाइम के लिए अपना जो है एक हफ्ते के लिए अपने समर सेविल बंद रखो, जब भी एकदम टूट जाएगा वैसा पानी अगर एक हफ्ता समर सेविल बंद हो जाओ। हम तो कर लेंगे पर गांव वाले तो गांव वाले नहीं करने के, बिल्कुल सही बात। अब भी जो है सब समर सेविल से ही धो रहे हैं बिल्कुल, हाँ 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 करंट हाँ हाँ अब भी चल रहा है, तो मैंने दिखा दिया अब भी चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो दोस्तों समर सेविल से, देखो समर सेविल से अभी भी जो है चला रखा है। तो अब गांव से तुरंत के फौरन गांव वालों से हंसी मजाक करते हुए आ गए हैं जी यहाँ। कुछ भाई जो हैं खुश हैं, कुछ भाई नाराज हैं कि बारिश ज़्यादा हो गई, हमारा तो घर डूब गया, हमारा तो ये हो गया। दोस्तों बारिश का पानी है अपने आप ही जो है धरती माई से संभाल लेगी अपने अंदर, और जो है मैं गुजारिश करना चाहूँगा कुछ समय के लिए जब बारिश ज़्यादा हो तो समर सेविल अपने बंद कर लेने चाहिए। और दोस्तों ये देखो पंडित जी वाले में कितना पानी भर रहा है अब भी, ये देखो जी जल ही जल है खेत में। अब दोस्तों ये संभालना पड़ेगा, इसके मेड्डे भाग लिए, इसका खेत का देखना पड़ेगा कैसे कैसे हो रहा है। तो दोस्तों ये देखो जी ये नवीन की घिमों की भी बोर्ड बहुत तकड़ी चल रही है, इंगे इंगे से पानी पता नहीं इसका नीचे खुद आ गया मारे में कैसे कैसे हुआ। दोस्तों देखना पड़ेगा तो मेड्डे, दोस्तों ये तो मेड़ लगाई आ गया भाई खेत, कमाल हो गया है। तो ये तो दोस्तों मेड़ लगाई आ गया, देखो तो ऐसा हो गया जैसा छुल के मील में जा कर पीछे को भीतर को देखियो, भाई वाह निरोगा चल रहा बहुत तकड़ा, तो कमाल हो गया। दोस्तों इसमें तो मरना पड़ेगा भाई, गांडे भी स्पेशल है इसमें तो, भाई वाह
38 को नहीं मारता भाई कोई भी। कोरल जी पीवीसी एग्रो, कोरल जी टर्मिनेटर, टिंग टोंग जिंदाबाद। इस तो ऊपर ना साल्ट कोई भी। ये देखो जी, आज पहली तारीख है जी, पहली अगस्त। पहली अगस्त में इसके चार चार जूड़े मिल जाऊंगे जी खेत के फन्ने खां। ये देखो जी, नीचे से देखो जी, ऊपर तक गांडा और ऊपर देखो दोस्तों, मजा आ गया। मेरी तो बांछे खिल गई। जो भाई मजाक ले रहे थे ना कोरल जी टर्मिनेटर की और हमारी वीडियो की, भाई ले हो जाओ तुम मजाक। ये देखो पीछे भाई, मजाक ले हो जाओ, हमें तो मजा आ गया। हम तो पूरे जोर शोर से इस दवाई का प्रचार करेंगे भाई, और किसान भाइयों को जो है जितना हो सके उतनी कोशिश करेंगे भाई, सबके ऐसा गांडा हो, सब माला माल हो भाई, हमें तो यही है। और वही बात है, बारिश के पानी का गिल्ला कुछ नहीं होता, ये तो सब जगह गिल्ला ही गिल्ला हो जा। ये देखो जी पीछे लोटम लोट हो लिया, मेड़ लगा धुआं, आते दिन मेहनत कर धुआं। पीछे देखो जी, ये देखो सारा खेत। अरे भाइयो, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, बारिश ऐसी करी कि हाथ जुड़वा दिया सब पे। अब तो नू कह रहे सब, अब ना आनी चाहिए बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई। तो दोस्तों इसका ऐसे ही करेंगे, इसके चार चार जुड़े मिलवाने पड़ेंगे, कमाल हो गया। वाह कुदरत वाले, हे ऊपर वाले, हे मेरे मालिक, हे शिव शंकर भगवान, हे परमात्मा, तेरी लीला अपरंपार है। जब तक जीवन है तेरे दिखाए रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में एक माँ है और एक तू है, जिसके लिए तू शब्द का इस्तेमाल होता है। जबकि लोगों को अगर किसी को हम तू कह दें तो राड हो जाएगी, गैर सामाजिक बात हो जाएगी। लेकिन एक माँ है, माँ को भी तू कह के बोला जाता है, और परमात्मा को भी तू कह के बोले, हे परमात्मा तेरी माया। ऊपर वाले ठीक ठाक रखिए सबने, और सभी भाइयों का, कोई कोरल जी करो ना करो, टर्मिनेटर ना करो ना करो भाई, ऐसी फसल होनी चाहिए सबके। परमात्मा सबके ठीक ठाक रखे भाई। जय शिव शंकर भगवान की जय हो। दोस्तों चल रहे हैं जी फटाफट घर, वीडियो को विराम देते हैं, ना दो का नाश्ता पानी करते हैं जी। धन्यवाद, जुड़े रहिए टिंग टोंग चुली बुली। दोस्तों अब इधर से आते हुए पीछे से आपको दिखाता हूँ, इधर यहाँ रास्ते पे देखो इतना जल पड़ा है जी, पीछे से इतना जल आया बारिश का। ये देखो जी हमारा खड़ौंजा भी बह गया। अब दोस्तों ये तो ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो यहाँ रास्ता ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ओवरलोड ट्रॉली आती है, सीजन में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों देखेंगे इसे मरम्मत कैसे कैसे होती है इसकी। तो यहाँ जैसे पीछे से पानी का प्रेशर आया वेग, तो वो यहाँ कट गया, और कटते कटते फिर ये खड़ौंजे की मिट्टी कट गई, कमाल हो गया भाई। अब दोस्तों पीछे से आते हुए ये देखा जी, गेहूं वाला जो बबलू भाई ने जुताई कर दी दोस्तों, हरी खाद बन गई इसकी, खाद लग गया। और देखो जैसा आगे जगह कम छोड़ दी है, तो यहाँ ये रह गए थे, तो इन्हें दोस्तों बारिश के बाद में जैसे ही खेत सूखेगा तुरंत इसमें डोज लगाएंगे और पावर वीडर से जोतते हैं। और दोस्तों जेड पट्टी बोने की वजह से हमें बेनिफिट मिला जी, गन्ने काफ़ी मिल गए, ब्यांत की कोई दिक्कत नहीं रही, धोरा भी बू गया था दोस्तों। लेकिन बबलू भाई ने दोस्तों बात माननी है, देखो जैसे ये रास्ते से एक बिलहांद ऊंची हो रही, इसकी रूटावेटर से जुताई कर देते आराम से, थोड़ा नीचे तक चाहे एक डेढ़ फीट चाहे नीचे तक बढ़ जाता हमारे खेत की तरफ, कोई दिक्कत नहीं, तो पक्का खड़ौंजा है। तो दोस्तों जो अंदर के खुड़ सीधे मिल जाते हैं, यहाँ थोड़ी जगह रह जाती, तो उसमें बेनिफिट ये रहता, ट्रैक्टर पूरी जुताई करता। और आप इनकी देखो गिनती करके देखो कितना गन्ना बैठता, ये जगह खाली रहेगी। तो दोस्तों अब की बार बबलू भाई ने मेरी बात मानी, क्योंकि उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाया, खुद ट्रैक्टर चलाया, तो उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं थी, सीधे मिल जाते तो आराम से। जब ये लेवल से में ही है खेत, जो है यहाँ थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, आराम से वहाँ थोड़ा टेपर छोड़ देते, तो ये बेनिफिट रहता बहुत ज़्यादा, ये दोहरा नहीं बोना पड़ता और इतने मोड़ वोड़ नहीं लगते, सीधा ट्रैक्टर बाहर निकलता आराम से, फिर अंदर घुसता, उधर जगह छूट गई थी कोई दिक्कत नहीं थी। और जबकि दोस्तों उस तरफ से पानी आता है तो इस तरफ फसल ज़्यादा तकड़ी होती है, जिस तरफ फसल तकड़ी हो रही है, जिस तरफ खेत का पानी जाकर रुकता है ऐसे जाकर, उस तरफ ज़्यादा तकड़ी फसल होगी। तो उस तरफ जगह ना खाली छूटे उसके लिए आप प्रयास करें दोस्तों, इससे एवरेज बढ़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह छोड़ने से भी कोई बेनिफिट नहीं है। अब यहाँ मैं ऊंचाई पर खड़ा हूँ, और देखो जी अंदर गन्ना क्वालिटी देखें जी, तो दोस्तों गेहूं का गन्ना भी अगर ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया है, तो मैं बहुत बहुत ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ जी, भाई को भी मेहनत की वो देता हूँ,
और मम्मी पापा को भी धन्यवाद देता हूँ जी सभी को, और जो हमारे साथ लेबर लगी रही या जिन भाइयों ने भी अपने विचार हमारे साथ में शेयर करे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। तो दोस्तों सड़क पर कावड़ का जोर है जी, कल तक रहेगा, 2 तारीख में जल है जी। तो यहाँ सभी के जो है जलमग्न हो गई थी जी फसलें, पानी पानी हो गया था जी सब तरफ, लेकिन अब धीरे धीरे जमीन पी रही है और शाम तक जो है जितना भी होगा पानी पी लिया जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ किसी ने नारियल वगैरह काट कर डाल दिया है जी, टोटका कर दिया है जी फिर दोबारा से, ये देखें। तो दोस्तों कुछ कह नहीं सकते, पब्लिक है जी, पता नहीं पब्लिक के क्या मूड में आ जाए, पब्लिक क्या करने लगे। तो दोस्तों यही है, अब यहाँ से निकल चलते हैं जी फटाफट। धन्यवाद, जुड़े रहिए टिंग टोंग चुली बुली। आप भी कहोगे दोस्तों कि बार बार वीडियो बंद कर रहे हो भाई और बार बार दिखा रहे हो। तो दोस्तों यही था कि यहाँ मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई हो। तो दोस्तों इस पेड्डी में भी देखो आप, ये भी हमारे जो पोगे थे जो पेड्डी गन्ना है 42 इंची वाली श्री माता जी वाली, मेड़ लगेगी जी इसकी भी, ये भी झुकलाने लगी है। तो दोस्तों इसमें कोशिश यही करेंगे कि अभी पास पास के 2-2 मिल जाएँ, फिर उन्हें 2-2 के 4-4 करवा देंगे। यहाँ देखें जी, यहाँ सुबह भी घास काट के घसिया रहे आए होंगे। अब दोस्तों घास वाले ऐसे कर रहे हैं जंगल में, इकट्ठे हो के जा रहे हैं, कि बाकी इस टाइम वैसा है नहीं कोई। तो ये देखें जी, इस तरफ से भी अंदर की तरफ गए हैं, इन्हें भी सीधे साधे से कर देंगे। और बाकी चल रहे हैं जी पेड्डी में, देखें इन्होंने भी बहुत बढ़िया डोज लगाई, देखो ये भी इसके बराबर ही कर दिया, क्योंकि हर पानी पर डोज थी जी। तो ऐसी बात नहीं, अगर आप डोज दोगे और उधर से बारिश भी पड़ रही है तो गन्ना, बाकी दोस्तों आपके वाला थम्मो में ही है, क्योंकि इसमें दोस्तों पत्ती जुती हुई थी और 2 बार की घास भी हमने इसी में रोक की, जो इसमें पहले जुताई हुई फिर इसमें खुरपा निकला, तो फ़र्क पड़ता है फसल अवशेष खेत में रोकने का फ़र्क पड़ता है। बाकी यहाँ से ट्रोली निकली थी, ये भी पूरा हो गया था इधर से। तो दोस्तों चलते हैं जी घर, धन्यवाद, जुड़े रहिए टिंग टोंग चुली बुली।